मेरा मॉडर्न एज से तल्लुक 2008 से है, और इस सेंस में है कि मॉडर्न एज का एक प्रोग्राम ये भी है कि ये आउटरीच करते हैं, ये सोसाइटी के लिए भी कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, जिनमें एक तुम्हारी अपनी तंजीम है सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स, पूरे मुल्क में एक तंजीम है जो इंग्लिश के हवाले से काम कर रही है जिसका मैं भी मेम्बर हूँ, तो उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। फिर इक्विप पाकिस्तान एक अदारा है जिसके तहत स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल एक स्ट्रीम है जिसमें हम भी कुछ ना कुछ साथ शामिल हैं। तो ये जो आउटरीच है मॉडर्न एज की, उसके तवसत से मुझे कभी ना कभी यहाँ आने का मौका मिलता है। आई एम विटनेस टू द सिंसेरिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, प्रोफेशनलिज्म इस अदारे की। दूसरा, जब मैंने तहकीक की तो मैंने कहा कि मैं ऐसे अदारे में बच्चों को भेजूँगा जहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये अजीब सा लफ्ज़ है सॉरी टू से, कि वो खुद जो है एजुकेशनिस्ट हों, क्यों ये भी एक बिज़नेस एंटरप्राइजेस बन चुकी हैं बस जगहों पे, लेकिन जो स्कूल का सरबराह है वो खुद भी एजुकेशनिस्ट हो, बेशक उसकी बिज़नेस एंटिटी भी हो, और लेकिन वो अदारा जब उसका जो प्रिंसिपल है वो पढ़ा लिखा होगा तो फिर वो बिज़नेस के साथ साथ, बल्कि बिज़नेस से पहले वो क्या होगा, एक एक सर्विस होगी, एजुकेशन सर्विस। तो मुझे सर वाइद बैठे हैं और सर सईद मेरे टीचर हैं, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मेरा इंतखाब ठीक था। यहाँ के प्रिंसिपल और को प्रिंसिपल दोनों एजुकेशनिस्ट हैं।